बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ये बेबी फ्रॉक, ये 2 साल की बच्ची का। ये देखें, इस तरह के पास मैंने पीस काट लिए थे कपड़े के, और ये ब्लैक कलर और एक ग्रे कलर का मेरे पास कपड़ा है। तो ये मैंने योग के लिए कपड़ा काट कर रखा हुआ है। ये देखें, ये फ्रंट और बैक का योग है। इसको मैंने इस तरह से रखा, और इसकी लंबाई 9 इंच और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान मैं 4.5 इंच पे लगाऊंगी, और आर्म होल का निशान लंबाई में हम 5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो ये 4.5 रह जाएगा। और इस तरह से हम इसकी गुलाई भी दे देंगे, और यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे चेस्ट का, और कमर का भी निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। और ये इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे, और इधर से हम 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे। ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट के आर्म होल की गहराई करेंगे हम थोड़ी और। ये 2 इंच पे हम इधर नेक का निशान लगाएंगे, एक निशान और हम इधर नीचे के साइड पे भी लगाएंगे 2 इंच पे, और एक निशान इस तरह लंबाई में लगाएंगे इसके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, ये मेरे पास ग्रे कलर का कपड़ा है जो मैं इसके साथ लगाऊंगी। इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है इसकी। इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसमें चुने देंगे। इसकी चौड़ाई 5 इंच मैंने इसलिए रखी है कि ये सिलाई में भी जाएगा, और ये बैक साइड के नेक 2 इंच और लंबाई में 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और अब हमने इसकी इस तरह से गुलाई करके इसकी कटिंग कर लेंगे, और एक निशान और लगाएंगे बटन टेक के लिए। तो ये इस तरह से निशान लगा कर हमने कटिंग कर ली। 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये देखें, इस तरह से लंबाई में 3 इंच पे निशान लगाया था। और ये घेर का कपड़ा है जो कि मैंने, ये डबल फोल्ड है, काट कर रख लिया था पहले मैंने इसको। इसकी चौड़ाई 22 इंच और लंबाई 12 इंच है। और ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखा है। इसकी लंबाई 10 इंच ली है मैंने। ये फुल स्लीव्स बनाएंगे हम फ्रॉक की। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह फोल्ड करेंगे, उसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये बैक का नेक मैंने जो कट किया था, ये इसकी बटन पट्टी बनाने के लिए, ये मैंने चौड़ाई में 4 इंच है और लंबाई में ये 4 इंच लंबाई है इस कपड़े की। इस तरह रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इधर हम एक कट लगाकर इसको सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधा कर लेंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई और लगाएंगे इस पर। ये देखें, इस तरह से ये हमने तैयार कर लिए। अब ये इसके
नेक पे जो कटिंग की है हमने इधर लगाएंगे ये पट्टी, ये और एक पट्टी ली है मैंने, इसको इस तरह डबल फोल्ड करके इसके साथ जोड़ेंगे। ये फ्रंट का पीस है जिसकी हमने कटिंग की थी, ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग की थी, जो इसके हमने बीच में से कपड़ा निकाला था उसकी हम पट्टी काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दो पट्टियां काट ली हैं इसकी, और अब हम इसके साथ जोड़ेंगे इसको। और ये दूसरे साइड पे भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने जोड़ लिया इसको, अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे इसके ऊपर। अब ये इसको भी इसी तरह जोड़कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे फोल्ड करके। ये देखें दोनों साइड के मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से, और ये मैंने जो आपको कपड़ा दिखाया था ये इस तरह डबल फोल्ड करेंगे हम, और इसमें इस तरह से चुने डालेंगे। अब ये दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से चुने डालेंगे। ये देखें इस तरह से हमने चुने डाल लिए इसमें। अब ये जो हमने इसकी पट्टी मोड़ी थी इधर हम इस पे 3 इंच का निशान लगाएंगे नेक का। ये देखें इस तरह से नेक का निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और हम इसको इसके निशान के इधर से रखकर इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम इधर ऊपर से लेंगे, इधर भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसको भी इसी तरह रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया इसका नेक। ये देखें एक पीछे की साइड से भी हमने आपको दिखाया इसको, और ये अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये जो हमने नेक की पट्टी लगाई थी हम इसको इस तरह इस पर फोल्ड कर देंगे, और ये दूसरी साइड से भी हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। अब हम ये बैक साइड की नेक की पट्टी को इस तरह सिलाई कर देंगे इस पर। अब ये दूसरी साइड पे भी हम सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारे पास घेर का कपड़ा है तो इसमें हम इस तरह से चुने डाल लेंगे। आप चाहें तो मशीन की बड़ी सिलाई करके भी इसमें चुने डाल सकते हैं।
अब हम ये योग के साथ जोड़ेंगे घेर को। इसकी चुनों को हम सही करते जाएंगे और इसके साथ जोड़ लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया है। अब बैक साइड का भी हम इसके साथ जोड़ लेंगे। और ये इसकी स्लीव्स है, तो ये इस तरह से हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। ये सफ़ेद पट्टी देखे, इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे और ये सिलाई बनाए लगाएंगे इसमें। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से हम बच्ची का साइज देख लेंगे, हमें कितना इलास्टिक डालना है इसमें। तो ये 7 इंच लंबाई में मैंने इलास्टिक ले ली। 7 इंच लंबाई में इलास्टिक लूंगी इसका। अब ये हम पिन में डालकर इसके अंदर डालेंगे। ये लेके इस तरह से हमने डाल लिया। अब एक सिलाई हम इधर लगाएंगे कि ये इलास्टिक निकले ना, और ये दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसकी स्लीव्स को जोड़ेंगे योग के साथ। देखें, ये बीच में हमने कट लगा लिया इसके, और अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ये स्लीव्स में ऊपर की साइड भी हम चुने डालेंगे। ये देखिए, हमने इसकी स्लीव जोड़ ली है। दूसरी वाली भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे, ये दूसरी साइड पे भी। ये देखिए, हमने इसको जोड़ लिया है स्लीव को। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे इसे। ये नीचे से फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमने फ्रॉक तैयार कर दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं हमारे, और हमारे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।